हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं? मैं डॉक्टर प्रेम मेहता हेल्दी लाइफ से बोल रही हूँ। और आज हम क्या बनाने वाले हैं? आज हम बनाने वाले हैं रोज़ वाटर, डिस्टिल्ड रोज़ वाटर और दूसरा प्लेन रोज़ वाटर। दो तरह के रोज़ वाटर हैं। और ये क्या मतलब, अंतर क्या है इनमें, वो अभी हम किचन में जाके बताएंगे। लेकिन पता है रोज़ वाटर के फ़ायदे क्या हैं? एक तो जो टीनएजर्स हैं, ये तो हमेशा अपने स्किन का पूरा ध्यान रखते हैं, बॉयज़ हो गर्ल्स हो, तो इसलिए तो टोनर है बहुत बढ़िया। और ये जो हमारा पीएच है ना, बैलेंस, इसका बना के रखता है स्किन का। और 100 साल तक हम यूं ही चमकते रहते हैं। और इतना सुंदर, मतलब रोज़ वाटर इज़ सो गुड, वी कैन नॉट इवन इमेजिन कि रोज़ वाटर के बिना हमारा चेहरा कैसा, मतलब रोज़ यूज़ करो आप तो। ये दादी के नुस्खे हैं, हम तो अपना नेचुरल क्रीम क्यों नहीं यूज़ करते, बाजार से क्रीम क्यों लाएं हम, जब हमारे पास सारा सामान घर पे है। और मम्मी को बोलो जल्दी से बना के देंगे आपको रोज़ वाटर। देखो इसके क्या फ़ायदे हैं। एक तो हमारा पीएच बैलेंस रखता है स्किन का, और दूसरा जो हमारी दाने दाने हो जाते हैं, मुहासे हो जाते हैं, उसको एकदम क्लियर कर देता है। और उसके बाद जो हमारा सनबर्न हो जाते हैं, कई बार हम धूप से आते हैं, सारा सनबर्न हो जाता है, उस पर लगाओ। और जो हम डिस्टिल्ड रोज़ वाटर बनाते हैं, वो हम कुकिंग में यूज़ करते हैं, मिठाइयों में यूज़ करते हैं, खीर में यूज़ करते हैं, जैसे मर्जी कुकिंग में यूज़ करो वो उससे है। और ये जो पिंक रोज़ वाटर है, इसको हम नॉर्मल यूज़ करते हैं। तो अपना घर पे बनाइए और हम साथ साथ डिस्कस करेंगे क्या फ़ायदे हैं। चलिए आ जाओ रसोई में चलते हैं, किचन में। चलो अब हम रसोई में आ चुके हैं और रोज़ वाटर बनाते हैं जल्दी से। अब इसमें क्या किया मैंने, एक पतीला लिया, और पतीला लिया और पतीले में मैंने एक ये ली, डब्बी ली, ये देखो छोटी वाली डब्बी, और एक मैंने ये डब्बा लिया, आपको दिखाती हूँ डब्बा। ये देखिए कि एक्चुअल में ये देखिए, अब ये जो डब्बा है इसको मैंने, या तो हम ईंट से फॉइल लपेट के रख दें इसके अंदर, थोड़ी छोटी छोटा सा टुकड़ा पत्थर ईंट का, और क्योंकि हमने प्लेन लेना है और उसके ऊपर हमने ये डब्बी रखनी है ऐसे, ठीक है। और इसको मैंने थोड़ा सा पानी इसलिए डाल दिया है ताकि इसका जो वजन है ना वो ठहरा रहे, नहीं तो ये भी उबलना शुरू हो जाएगा, क्योंकि हीट के प्रेशर से ये नहीं उबलना, ये नहीं होना चाहिए। और इसके ऊपर हम ये रखेंगे, देखो इसमें मैंने थोड़ा सा पानी इसलिए डाल लिया है। अब मैं जल्दी से इसको रखने लगी हूँ अंदर, क्योंकि मेरा थोड़ा थोड़ा गर्म हो गया था, ठीक है। और इसको मैंने ऊपर रख दिया कटोरी, खाली कटोरी को। अब जल्दी से हम क्या करते हैं, ये जो हमारे रोज पेटल्स हैं, देखो मैं अपने बगीचे से तोड़ के लाई हूँ, अब इसकी हम पेटल्स तोड़ लेते हैं। पेटल्स अलग करके, पंखुड़ियाँ अलग कर लो इसकी, और इसकी ये निकाल दो, ये देखिए ये अलग कर लो, ठीक है। ये कर लिया हमने अलग जल्दी से, ठीक है ना, ये अलग हो गया हमारा, ये देखो अलग हो गया, ये सारी अलग कर लेना जल्दी से, और जल्दी से इसमें डाल देना, ठीक है। इसमें डाल दिया हमने, अब इसके बाद, और देखो इसके साइड में जो जगह बची हुई ना, ये देखिए मैं दिखाती हूँ आपको, ये देखिए इसके साइड में जगह है, देखिए ये साइड में डालना, और बीच में डब्बी है और उसके ऊपर कटोरी है, देखिए पास से देखिए। और इसके बाद हम ये देखिए पानी डालते हैं, थोड़ा सा पानी पानी डाल देते हैं इसमें थोड़ा सा, अब पानी उतना ही डालना है जितने थोड़े से पेटल्स हैं, ज्यादा नहीं भरना, और वो डब्बी के नीचे ही पानी रहेगा, ज्यादा नहीं भरना, ठीक है। हमने डाल दिया इतना, थोड़ा सा इतना ही डाला, आधी कटोरी समझ लो। और अब हम गैस चलाएंगे और गैस के ऊपर ये रख देंगे उबलने को, ये अभी खाली है डब्बी। और इसके बाद हम क्या करेंगे, ये जो ढक्कन है ना हमारा ट्रांसपेरेंट वाला, इसको लेंगे और यहाँ पर जो इसकी मोरी होती है ना, थोड़ा सा आटा भर देना दोनों तरफ से, इसको बंद करना है, क्योंकि हम जो डिस्टिलेशन एंड कंडेंसेशन प्रोसेस करते हैं ना, उसमें से यहाँ स्टीम जानी नहीं चाहिए, और जो सारी स्टीम है वो कटोरी में आनी चाहिए, जो हमारी ये डब्बी है इसमें आनी चाहिए, ताकि जो रोज का सेंस है इसमें जाएगा। इसको उल्टा करके रखना है, क्योंकि इसकी जो भाप बनेगी ना वो कटोरी में जाएगी, अगर सीधा रखोगे तो भाप निकलेगी नहीं, इसमें उसके जो बूंदे बनेंगी वेपर्स की वो सारी उसमें जाएंगी। अब मैंने उल्टा रख दिया इसको ऐसे, और अब इसे ये हीट अप हो रहा है, हीट अप होने के बाद इसके ऊपर थोड़ी सी बर्फ डाल दो, ये देखिए देखो मैंने बर्फ डाल दी इसके ऊपर, ठीक है। अब ये बर्फ डल गई, अब इसके बाद इसको उबलने दो थोड़ी देर,
10-15 मिनट उबलने दो, और ये हम बताते हैं अब इसके फायदे क्या हैं, जो हमारे पिंपल्स ठीक हो जाते हैं, और ये जो ऑयलनेस होती है हमारे स्किन में वो ठीक हो जाती है, और जो स्किन स्किन मार्क्स जो हमारे फेड नहीं होते इसको कम कर देता है, और डार्क स्पॉट्स जो हमारे इसके फेस के हैं एंटी एजिंग करता है, रिंकल्स नहीं आने देता, और हम सुंदर दिखते हैं, और हाइड्रेट करता है हमारे इसको, और स्किन को काम करता है, स्ट्रेस दूर करता है, हमारे एंजाइटी दूर करता है, रीजनरेट करता है जो हमारे स्किन सेल टिश्यू, जो हमारे टिश्यूज खराब हो जाते हैं धूप में जाने से, उनको रीजनरेट करता है। अब ये देखिए उबाला आ रहा है, स्टीम बन रही है, स्टीम की आवाज आ रही है, ठीक है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, अब 10-15 मिनट उबलने के बाद ये हमारा तैयार हो गया है, ठीक है, और सारी वो जो भाप है उसकी रोज की उसमें जा रही है, और उसके बाद क्या करना है, देखो मैंने एक और तैयार किया था, कुछ जल्दी से दिखा देती हूँ, ये बनने दो, ये देखिए बिल्कुल सेम प्रोसेस से, ये मैंने डिब्बी ली थी, इसमें देखो इतना सारा सेंस बन गया, आपको निकाल के दिखाती हूँ, ये आपके सामने ही बना है, ये देखिए, ये देखिए इसमें बन गया रोज असेंस, और इसको हम स्टेनर से अब स्टेन करेंगे जल्दी से, जो बचा हुआ है स्टेन से कीजिए, ये काम होने दीजिए जो हो रहा है, और इसके बाद ये देखिए इसको स्टेन कीजिए, देख रहे हैं आप, ये रोज पेटल्स ऊपर आ गए, ये देखिए कलर इनका चेंज हो गया, और ये पिंक वाटर देख रहे हैं आप, ये देखिए पिंक वाटर, और ये रोज पेटल्स देखिए क्या रेड से कितने पिंक हो गए हैं, तो नाउ दिस इज आवर रोज वाटर, जिसको हम स्किन में यूज कर सकते हैं, हेयर पे यूज कर सकते हैं, और जब शादियों में जाते हैं ब्यूटी पैक लगे होते हैं उनको कॉटन से रिमूव करने के लिए, इसको आप बॉटल में स्टोर कर लेना, ठीक है, आपको दिखाती हूँ मैं, ये देखिए इसका कलर देखिए, इसको बॉटल में स्टोर कर लेना, फ्रिज में रहेगा तो जल्दी खराब नहीं होता, 4-5 महीने चल जाता है, और बनाते रहिए 4-5 महीने बाद और फ्रेश बना लेना, ठीक है। अब इसके बाद हमारा ये रेडी हो गया, और ये जो मैंने बनाया था ये एसेंस भी रेडी हो गया, सो आवर प्रोसेस इज कंप्लीट नाउ, एंड आई थिंक यू एंजॉय द वीडियो, एंड यू कैन लाइक एंड सब्सक्राइब द वीडियो, और मैं नई नई बनाती रहूँगी, और आप अपना ब्यूटी का ध्यान रखते रहिए, ठीक है, चलो थैंक यू वेरी मच।